हे गाइस, योर डेली दोस्त सुपर गॉब्लिन। आज हम मार्वल के स्कारलेट विच एंड डीसी का जटनान के कॉमिक के पावर के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्ट इंट्रो के बाद। स्कारलेट विच वर्सेस जटनाना, ये दोनों ही सेक्सी है। एक्चुअल में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों ही खुद का यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट सर्सरर है, फिर भी कोई तो दूसरे से ज्यादा पावरफुल होगा ही। फर्स्ट स्कारलेट विच के बारे में जान लेते हैं। स्कारलेट विच कहीं पर भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो सकता है। उसका टेलीपैथी इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्रोफेसर एक्स की नाक से खून बहा सकता है, और तो प्रोफेसर एक्स की माइंड में डोरेमोमो को समन कर सकता है। वंडर ही असली डार्क होल्ड है, इसलिए असली डार्क होल्ड को कोई भी नष्ट नहीं किया जा सकता। वो किसी को भी एक ब्लिंक से इरेज कर सकता है। वो किसी का भी एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है। वो कोई भी ह्यूमन बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है, सच एज मैग्नीटो जैसा पावरफुल म्यूटेंट को भी। वांडा मैग्नीटो की पावर भी टेक ओवर कर सकती है। वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, वो भी खुद अकेले की दम पे। और तो वो कोई भी रियलिटी को खुद का मंच ही शेप दे सकता है। एंड सिर्फ 3 वर्ड कहा था, नो मोर म्यूटेंट, जिससे कि मल्टीवर्स और तो ओमनीवर्स तक का भी इफेक्ट पड़ा था। नाउ जटनान खुद को हील कर सकता है, और तो छोटा मोटा मैजिक ब्लास्ट कर सकती है। जटनान के पास पावरफुल शील्ड है, जो टेलीकाइनेसिस जैसा पावर भी है, और वो वैम्पायर को मार के खून का नदी बहा सकता है। टाइम को फ्रीज कर सकता है। हॉकमैन का विंग को लीट में बदल सकता है, सिर्फ विंग ऑफ लीट बैकवर्ड कह के। कोई भी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकता है, और तो वंडर वुमन की सबसे पावरफुल हीट से भी वो खुद को बचा सकता है। तो आप कंक्लूजन पे आते हैं, जटनान के पास तो सॉर्सरर बनने का ड्यूरेबिलिटी है, मगर जटनान की मेजर वीकनेस भी है, जो उसका पावरफुल मैजिक परफॉर्म करने के लिए उसको मुंह से कहना पड़ता है। मगर यही पर एक फैक्ट है, जो वंडर किसी को भी माउथ को ब्लॉक कर सकती है मन से। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में या कॉमिक में हम देखे, वंडा कुछ ज्यादा ही रॉ पावर यूज करती है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द फेट ऑफ ब्लास्ट से भी ज्यादा। द विनर इज स्कारलेट विच।